हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। और उसी के कैप्सूल सीरीज में मैं अनु सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। कुंभ, आपने ये नाम तो सुना होगा, जिसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके ये मेला लगवाती है। आइए इस कुंभ की पहले हम कहानी जानते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 रत्न निकले, उनमें से एक रत्न था अमृत कलश। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान इस अमृत कलश से 4 बूंदें आकर हमारे पृथ्वी पर गिरी और इन्हीं 4 स्थानों पर लगाया जाता है कुंभ का मेला। अब आपको हम एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको याद हो जाएंगे उन चारों कुंभ के मेले के स्थान और वो कुंभ के मेले किन नदियों के तट पर लगते हैं, उनके भी नाम इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस शॉर्ट ट्रिक को। पाहुना, जी हाँ, आपने ये नाम तो सुना होगा ना। इसका अर्थ है मेहमान, अतिथि, जो आपके और हमारे घरों में आजकल आया जाया करते हैं। तो इसी पाहुना नामक शब्द से कैसे उन चारों के स्थान और उन नदियों के नाम हम निकाल करके आपके आगे प्रस्तुत करेंगे जो आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाहुना, पाहुने का सबसे पहला जो अक्षर है वो है प। प से अर्थात प्रयागराज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक शहर प्रयागराज जहां पर ये कुंभ का मेला लगाया जाता है। अब ये कुंभ का मेला प्रयागराज में किस नदी के किनारे लगता है? ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इस मेले को लगाया जाता है। तो समझ में आया, पाहुना का पहला अक्षर पा यानी प्रयागराज, हमारे उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम प्रयागराज जहां पर यह मेला लगाया जाता है। थोड़ा सा पा से हटकर हम आते हैं अक्षर हा पर। अब हा से क्या, उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर जो है हरिद्वार। हरिद्वार यहां पर किस नदी के किनारे लगता है? यहां पर भी कुंभ का मेला गंगा नदी के तट पर लगाया जाता है। अब हाथ से हट करके अगर हम थोड़ा सा नीचे उस पर लगे छोटे ऊ की मात्रा पर ध्यान दें तो हमें तीसरे शहर का नाम आ जाएगा। तीसरे शहर का नाम मतलब उज्जैन, मध्य प्रदेश का जो शहर है उज्जैन, वो शहर वहां पर जिस नदी के किनारे लगता है वो है क्षिप्रा नदी। कुंभ का मेला उस नदी के किनारे लगता है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। थोड़ा सा और अगर आगे हट करके हम चलते हैं तो हमें अंतिम अक्षर मिलता है न। न से यानी नासिक। नासिक जो एक महाराष्ट्र का शहर है, नासिक वहां पर किस नदी के किनारे लगता है? वहां पर भी गोदावरी नदी के किनारे ये कुंभ का मेला लगाया जाता है ना। तो गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है नासिक में। कुंभ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक अर्धकुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्षों में एक बार लगाया जाता है और जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है। अब इन 4 स्थानों में ये जो अर्धकुंभ और महाकुंभ है ये सिर्फ 2 और 2 जगह लगता है, यानी कि अर्धकुंभ 2 जगह लगता है और महाकुंभ 2 जगह। अब अर्धकुंभ जिन 2 जगहों पर लगता है वो है प्रयागराज और हरिद्वार, और दूसरी चीज जो महाकुंभ है जो 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है वो लगता है नासिक में और उज्जैन में। तो हमने देखा कि कैसे एक शब्द से हमने चारों स्थानों के नामों को निकाल करके आपके आगे प्रस्तुत किया। चलिए एक बार फटाफट से इन चारों का रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले पाहुना, प यानी प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यह मेला लगता है। दूसरी ओर हम बढ़े तो हमें मिला ह। ह यानी हरिद्वार। हरिद्वार जो उत्तराखंड का एक शहर है वहां पर किस नदी के किनारे? ये लगता है वहां पर गंगा नदी के किनारे। ह में लगे थोड़े से नीचे आकर के हम छोटे ऊ की मात्रा पर ध्यान हमने दिया तो पाया कि ऊ से उज्जैन,
उज्जैन यानी मध्य प्रदेश का शहर जो शिप्रा नदी के किनारे, वहां पर कुंभ का मेला लगता है। दूसरी बार हमने जब आगे बढ़े तो हमने देखा नासे यानी नासिक महाराष्ट्र का शहर, और वहां पर लगता है ये गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं और उसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा कितना सरल था ये इस ट्रिक से हम लोगों को याद करने के लिए। तो आप ऐसी ही और ट्रिक्स का लुत्फ उठाने के लिए और इन सारी ट्रिक्स को पढ़ने के लिए, ताकि आपके आगे आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको हर एक फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में इससे आपको मदद मिलती रहे। थैंक यू।